रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज। रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत एवं उसके अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह हुजुरात की 12वीं और 13वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान लाने वालों, बहुत सी सोचों से बचो कि कुछ सोचें पाप होती हैं, और टोह में मत रहो और न तुम में से कोई पीठ पीछे किसी की निंदा करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? तुम्हें स्वयं इस बात से घिन आएगी, और ईश्वर से डरते रहो। निसंदेह ईश्वर तौबा स्वीकार करने वाला और दयावान है। हे लोगों,
हमने तुम्हें एक पुरुष व स्त्री से पैदा किया और तुम्हारी बहुत सी जातियां और वंश बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज रविवार है, दय मास की 12, जमादिल अव्वल की 28 और जनवरी की 2 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अनमोल बातें और फिर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। श्रोताओं, राजनैतिक चर्चा के बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार और फिर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे। तो श्रोताओं, यह है कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। महान कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के अवसर पर ईरान ही नहीं पूरे इलाके में शहीद सुलेमानी का नाम गूंज रहा है। शहीद सुलेमानी पर अमेरिका के आतंकी हमले के खिलाफ ईरान में 2500 लोगों की शिकायत पर 3 जनवरी से अदालती सुनवाई शुरू होने जा रहा है। इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। भारत में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ऐप पर अपलोड करने का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथी इलाके के देशों में ईरान के महान और विश्वविख्यात कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही है और लोग अपने प्रिय कमांडर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस समय जनरल कासिम सुलेमानी के नाम की गूंज और उनकी झलक पूरे इलाके में साफ तौर पर महसूस की जा रही है। इस्लामी गणतंत्र ईरान में कई दिन से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि भारत, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, यमन सहित अनेक देशों में बड़े पैमाने पर शहीद सुलेमानी को याद किया जा रहा है। शहीद सुलेमानी का एक बड़ा कारनामा अमरीका और इसराइल के वर्चस्ववाद और विस्तारवाद का मुकाबला करने वाले प्रतिरोधक मोर्चे का गठन था। इसराइल से संघर्ष, साम्राज्यवाद से संघर्ष, जुल्म व अत्याचार से संघर्ष, न्याय पर जोर, अधिकारों की लड़ाई का सशक्तिकरण, आध्यात्मिकता और स्वाधीनता पश्चिमी एशिया के इलाके में प्रतिरोध मोर्चे की खास विशेषताएं हैं। इस मोर्चे ने पिछले एक दशक के दौरान अपनी इन विशेषताओं को मजबूत किया है। अमेरिका ने इसराइल और अपने अरब घटकों के साथ मिलकर 2011 से सीरिया को तबाह करने की कोशिश की, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि प्रतिरोध के मोर्चे के परवान चढ़ने की प्रक्रिया में सीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दशक के बाद हम देखते हैं कि सारी साजिशों के बावजूद पश्चिमी एशिया में प्रतिरोध का मोर्चा अधिक मजबूत हुआ है और इसमें जनरल कासिम सुलेमानी की निर्णायक भूमिका है।
इस्लामी क्रांति संरक्षक फोर्स IRGC के कानूनी मामलों के निदेशक का कहना है कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किए जाने के मामले में 2500 लोगों ने अमरीका के खिलाफ याचिका दायर की है, जिस पर अदालत की पहली सुनवाई कल होगी। जनरल सोहराब अली शमखानी ने जनरल कासिम सुलेमानी पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि इस समय अदालत में 2500 लोगों की याचिकाएं मौजूद हैं। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिनके जवान इराक और सीरिया में पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इन याचिकाकर्ताओं ने अमरीका के आतंकी हमले में जनरल सुलेमानी की शहादत से दिल को पहुंचने वाले गहरे आघात के आधार पर शिकायत की है। शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी मनाने के लिए तुर्की से एक कारवां ईरान के लिए रवाना हो गया। शहीद कासिम सुलेमानी के चाहने वालों का एक कारवां तुर्की के इस्तांबुल नगर से ईरान के शहर किरमान पहुंचा है। इसी तरह दुनिया के 40 से अधिक देशों से इसी तरह के कारवां ईरान के किरमान शहर पहुंचे हैं, जहां शहीद जनरल कासिम सुलेमानी का मजार है। सर्बिया के एक विश्लेषक ने जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को अमेरिका के सरकारी आतंकवाद का परिणाम बताया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सर्बिया के टीकाकार इगोर इगेश ने बेलग्राड में एक इंटरव्यू में बताया कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के 10 दिनों के बाद अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें इस घटना में लिप्त जल्लादों की सराहना की गई थी। इस प्रस्ताव में शहीद कासिम सुलेमानी पर आतंकवादी हमले की तैयारी का आरोप लगाया गया। वे कहते हैं कि इससे दो वास्तविकताओं का पता चलता है, एक तो ये कि शहीद कासिम सुलेमानी पर आतंकवादी हमले की तैयारी के आरोप के बारे में अमेरिका कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर सका। इस प्रकार जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। दूसरी बात यह है कि जिस ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी शहीद हुए, उसके लिए कांग्रेस से सहमति नहीं ली गई। इस प्रकार से इसको अमेरिका के सरकारी आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो के अनुसार ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होने वाली परमाणु वार्ता में प्रगति दिखाई दे रही है। NPR की खबर के मुताबिक वियना वार्ता में एक समझौते की ओर बढ़त की निशानियां दिखाई दे रही हैं। NPR ने ये पहली बार कहा है कि यूरोपीय वार्ताकारों ने वियना वार्ता में प्रगति की बात मानी है। NPR की वेबसाइट के अनुसार हालिया कुछ महीनों के दौरान पहली बार यूरोपीय वार्ताकारों ने वियना वार्ता में प्रगति की बात कही। NPR ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वो बहुत जल्द इस बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा। ज़ायनी सेना ने रविवार की सुबह गजा पट्टी के भीतर कुछ जगहों पर बमबारी की। इसराइली सेना का कहना है कि गजा पट्टी से दो मिसाइल फायर किए जाने के बाद उसने बमबारी की है। इसराइली युद्धक विमानों ने हमास की सैनिक शाखा से जुड़े लगभग 10 ठिकानों पर बमबारी की। उत्तरी गजा पट्टी में बैतलाहिया के करीब और दक्षिणी गजा पट्टी में खान यूनस के करीब ये हमले किए गए हैं। इसराइली विमानों ने निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले हमास के 4 ठिकानों पर भी बमबारी की है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इन हमलों में किसी जानी नुकसान की कोई बात नहीं कही है। इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के मिसाइल कारखाने को निशाना बनाया है। वहीं हमास के अलक्सार नामक टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमास ने इसराइली सेना के एक हेलीकॉप्टर पर 2 मिसाइल फायर किए हैं जो SAM-7 प्रकार के थे। इसराइली मीडिया का कहना है कि मिस्री सरकार इसराइल और फिलिस्तीनी संगठनों से संपर्क करके तनाव को कम करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसराइल के पूर्व मंत्री ने शनिवार को बयान दिया कि हमास के नेता इस्माइल हनिया और यहया सिनवार को कत्ल कर देना चाहिए। भारत में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ऐप पर अपलोड करने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 1 जनवरी को कहा कि सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें गिटहब प्लेटफॉर्म के जरिए एक ऐप पर अपलोड की गई हैं। चतुर्वेदी ने इस मामले को मुंबई पुलिस के सामने उठाया था और उन्होंने इसके दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके कहा था कि मैंने CP मुंबई पुलिस और DCP क्राइम रश्मि
कारंदीकर से बात की है, वे इस मामले की जांच करेंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र के डीजीपी से भी बात की है कि वे मामले में हस्तक्षेप करें। उम्मीद है कि इसमें शामिल महिला विरोधी और लैंगिक भेदभाव करने वाले गिरफ्तार होंगे। पूरे मामले पर मुंबई पुलिस ने कहा कि उसने मामले को संज्ञान में ले लिया है और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। ये सरकार कभी भी गरीब, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। इनका काम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले महीने समझौता करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से दूध का आयात करना गलत है। देश का पशुधन सिर्फ दूध नहीं देता बल्कि खेत की मिट्टी को भी ठीक करता है। टिकैत ने कहा कि विदेश की कंपनी से दूध आएगा तो देश के पशु कैसे बचेंगे। उनका कहना है कि अब दूध को 22 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचने की योजना है। किसान नेता टिकैत ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार पूंजीपतियों के बारे में ही नीतियां बनाती है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में संसद भवन में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मीडिया में अधिकारियों के हवाले से आने वाली खबरों के अनुसार संसद भवन का एक हिस्सा गिर गया। सुरक्षा को लेकर बनी केप टाउन मेयर कमेटी के सदस्य जेपी स्मिथ ने कहा कि संसद भवन की छत का एक हिस्सा गिर गया। उन्होंने कहा कि इमारत में आग लगने की सूरत में चेतावनी देने के लिए फायर अलार्म लगाए गए हैं, लेकिन अलार्म ने आग की चेतावनी नहीं दी। जेपी स्मिथ का कहना था कि जहां आग लगी है वहां 12 फायर फाइटिंग उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि अलार्म सिस्टम ने देर से काम करना शुरू किया। अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका ने लिखा है कि ईरान के क्रूज मिसाइलों ने फारस की खाड़ी में शक्ति के संतुलन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। द न्यू यॉर्कर ने अपनी रिपोर्ट में इस्लामिक गणतंत्र ईरान की सैन्य शक्ति और उसके बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि आधुनिक दौर में ईरान विगत की तुलना में शक्तिशाली भी हुआ है और उसका प्रभाव भी बढ़ा है। यमन की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना और स्वयंसेवी फोर्सेस के व्यापक ऑपरेशनों के नतीजे में 12,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाका आजाद कराया गया। यमनी सेना के प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि वर्ष 2021 में सेना और स्वयंसेवी फोर्सेज ने कई बड़े और कामयाब ऑपरेशन किए। प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2021 में हम डिफेंस के फेज से आगे बढ़ते हुए आक्रामक ऑपरेशन के फेज में पहुंच गए और यमनी सेना ने 223 बार सऊदी गठबंधन के हमले को नाकाम बनाया। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अन्य कड़ी के साथ मैं सैयद मीसम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आज हम वरिष्ठ नेता की नजर में सबसे बड़े शैतान अमेरिका और उसकी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाही उज़्मा सैयद अली खामनई अपने संबोधन में ये बयान करते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है और हमेशा से ही गुमराह करने तथा धोखा देने में व्यस्त रहता है। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि अमेरिका ने हमारे देश में वो काम किया जो फिरौन ने किया था। फिरौन की तरह हमारी जनता के साथ इस तरह का बर्ताव करता था। समय के मूसा आए और उन्होंने इस फिरौन के तख्त व ताज और उसकी सत्ता की चूल्हे हिलाकर रख दी और उसे खत्म कर दिया। ये क्रांति है। सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। ये बड़े शैतान वाकई में बहुत बड़े अर्थ छिपे हुए हैं। दुनिया के सभी शैतानों का मुखिया इबलीस है, लेकिन पवित्र कुरान के आधार पर सिर्फ वही काम
कर सकता है कि इंसानों को गुमराह और पथ भ्रष्ट करे, गुमराह से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इंसानों को गुमराह और पथ भ्रष्ट करता है, धोखा देता है, उनके मन में शंका और शक पैदा कर देता है। लेकिन अमेरिका भी गुमराह करता है, जनसंहार भी करता है, प्रतिबंध भी लगाता है, धोखा भी देता है और दिखावा भी करता है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरा सलाम स्वीकार करें। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं ब्रिटेन में जनरल कासिम सुलेमानी को दी गई श्रद्धांजलि। जनरल कासिम सुलेमानी वाज द कश्मीरियों ने अपने खास अंदाज में जनरल सुलेमानी को दी श्रद्धांजलि और लंदन में कोरोना का कहर। तो सबसे पहले लंदन में जनरल कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी के कार्यक्रम का विषय। इस्लामी गणतंत्र ईरान की कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट, साथी कायम रिजवी की जबानी। जनरल कासिम सुलेमानी वाज द जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों को शहीद हुए अब 2 वर्ष गुजर गए हैं। ये ऐसी दुखद घटना है कि जैसे ही ये समाचार लोगों तक पहुंचा, पूरी दुनिया के स्वतंत्रता प्रेमियों की इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी, यहां तक कि अमेरिका के नजदीकी एवं पारंपरिक घटक ब्रिटेन से भी। मेजर कासिम सुलेमानी के दृष्टिगत शांति, न्याय और आतंकवाद से संघर्ष जैसी मानवीय विशेषताएं विश्व के मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों सबके लिए लाभदायक सिद्ध हुई। शहीद कासिम सुलेमानी ने हमारे जमाने में दाइश रूपी सबसे खतरनाक षड्यंत्र को मिटाकर विश्ववासियों के लिए शांति स्थापित की। यहां तक कि समय यूरोप और अमेरिका के लोगों को जो शांति प्राप्त है वो उन्हीं की वजह से है। राजनीतिक टीकाकार इराक में अमेरिका के माध्यम से जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की शहादत की कार्रवाई को इस देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के रूप में देखते हैं। इस हिंसक कार्रवाई से अमेरिका की पाशविक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। It was in a country, Iraq. इराक सरकार के निमंत्रण पर कासिम सुलेमानी वहां गए थे। हालिया दशकों में अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों और उनके सहयोगी देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा क्षेत्र के लोगों के समर्थन के नाम पर केवल युद्ध और विनाश को ही उन्हें उपहार स्वरूप दिया है। वर्तमान समय में उनके इस नारे की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। इराक में ईरान के वरिष्ठ कमांडर शहीद सुलेमानी की शहादत का बदला भी ईरान ने नहीं लिया है, जिसका दिल हमेशा ही विश्व शांति की स्थापना के लिए व्याकुल रहा करता था। लेकिन इस ईरानी कमांडर को शहीद करने में अमेरिका की विफलता अब पूरी तरह से दिखाई देने लगी है। अमेरिका बड़ी ही बेइज्जती के साथ क्षेत्र से बहुत जल्द ही भागने वाला है और ये आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वालों को क्षति पहुंचाने का मात्र एक छोटा सा ही बदला होगा। CIA का ये खतरनाक षड्यंत्र जहां पर भी पहुंचेगा, वहां पर विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी होने वाला नहीं है।
अगर अमरीकी राजनेता ये सोचते हैं कि कासिम सुलेमानी को शहीद करके वे उनके अथक प्रयासों को मिट्टी में मिला देंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ज़ायोनियों और अमरीकियों ने जो ये अपराध अंजाम दिया है उससे लोगों विशेषकर शांति प्रेमियों के दिलों में कासिम सुलेमानी का महत्व बहुत अधिक बढ़ चुका है। अब जबकि जनरल कासिम सुलेमानी, अबू मुहंदिस और उनके साथियों की शहादत को 2 वर्षों का समय गुजर चुका है, लेकिन उनकी शहादत का जख्म अब भी इस्लामी जगत विशेषकर ईरानी राष्ट्र के दिल पर बाकी है और ये उस समय तक ठीक नहीं होगा जब तक इस दुखद घटना के अंजाम देने वालों को दंडित न किया जाए। इस समय हम अपने सारे शहीदों, शहीद अम्मार, शहीद हमदानी और सबकी याद में डूबे हैं। जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की शहादत के 2 वर्षों के बाद अब पश्चिम की नीतियों की विफलता विशेषकर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जबकि प्रतिरोध के समर्थकों की संख्या पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है। लंदन से IRIB के लिए मुज्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट। दोस्तों चलते हैं भारत। भारत नियंत्रित कश्मीर की जनता ने भी अपने प्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को श्रद्धांजलि पेश की। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में शहीद कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी मुहंदिस की शहादत के दूसरी बरसी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शोक सभाएं आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। धार्मिक नेताओं ने उनकी शहादत पर विस्तार के साथ रोशनी डाली। उजमन शरी शियान के सदर आगा सईद हसन अल मौसवी ने अपने भाषण में कहा कि इन शोहदा ने यह बात साबित कर दी है कि वो जब जालिम और जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए तो उनके ऐवानों में लर्जा तारी हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी शहादत अमल में लाई गई, ये याद दिलाता है कि इस्लाम में हर समय बलिदान की जरूरत है और इनके बलिदान से इस्लाम को एक नई जिंदगी मिली। उन्होंने कहा कि शहीद कासिम सुलेमानी ने जिंदगी भर मजलूमों का साथ दिया और इसीलिए जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें थी वो उनको हताहत करने के लिए हर समय ताक में बैठे थे। आगा सईद हसन ने कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का बेहतरीन मौका यह है कि हम उनके जो उन्होंने मिशन है उसको पूरा करने के लिए हर बलिदान के लिए तैयार हैं। घाटी के विभिन्न क्षेत्रों जिसमें गोंड खाजा कासिम, गोंड हसी भट, बिमना और मागाम में भी ऐसी ही शोक सभाएं आयोजित हुई जहां पर धार्मिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच जम्मू कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल जारी है और जितने भी मेन स्ट्रीम दल है वो डिलिमिटेशन के सुझाव पर काफी बरहम नजर आ रहे हैं। जो हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है उस पर उन्होंने काफी गहरी तश्वीश का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस घटना के हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि वो पुलिस की रिपोर्ट गलत है, पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें वो लोगों के दिलों को तकलीफ में डाल रहे। इस बीच जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम भी जारी है। पुलिस का कहना है कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा में भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में एक अलगाववादी छापामार हताहत हुआ जिसकी तुरंत पहचान नहीं हुई। सुरक्षा बलों ने हताहत हुए अलगाववादी छापामार के नियंत्रण से असला और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर। और अब चर्चा करते हैं कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश।
कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। ২০২১ में कोरोना महामारी की समाप्ति की उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिम जादे की रिपोर्ट, साथी सैयद मीसम की जबानी। 2021 में कोरोना महामारी की समाप्ति की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अन्य पश्चिमी देशों की तरह ब्रिटेन में भी नए साल 2022 में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर लंदन में ओमिक्रॉन के फैलने के बाद नए साल के आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। इसके बावजूद न्यू ईयर की शाम को कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ कोरोनावायरस, सिर्फ पिछले एक हफ्ते के दौरान ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 67 मिलियन की आबादी वाले इस देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 13 मिलियन से ज्यादा हो गई है। It is dangerous. I mean, everybody's going to be gathering. हालात बहुत खतरनाक हैं। हम न्यू ईयर और क्रिसमस के कार्यक्रमों को रद्द करने पर मजबूर हो गए हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। महामारी को नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर मेरा विश्वास है, लेकिन बहुत से लोगों को भरोसा नहीं है। COVID-19 has increased. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 55 लाख लोगों की जान जा चुकी है और 2,88,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। लेकिन ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाले आंकड़ों के मुताबिक अस्पतालों में भर्ती होने वाले और मरने वालों की संख्या इससे पहले वाले वेरिएंट की तुलना में कम है। लेकिन अभी भी इस देश में लगभग 50 लाख लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है। ब्रिटेन में हर रोज कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या करीब 2 लाख तक पहुंच गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। मुश्तबा कासिमजादे, IRIB, लंदन। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारी आज की इस सभा के अंत में आप जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की दूसरी बरसी पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे, किंतु उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा आत्मा को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। कुरान ईश्वरीय चमत्कार। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह मरियम की आयत नंबर 29 और 30 की तिलावत सुने। फअशारत इलैह
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا तो मरियम ने उस शिशु की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि हम उस बच्चे से किस प्रकार बात कर सकते हैं जो अभी झूले में है। बच्चे ने कहा, मैं ईश्वर का दास हूँ, उसने मुझे आसमानी किताब दी है और मुझे अपना पैगंबर बनाया है। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने नवजात बच्चे के साथ लोगों के पास वापस लौटी तो उन्होंने उन पर कटाक्ष करना आरंभ कर दिया कि हे मरियम, तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ है, किस प्रकार तुमने बच्चे को जन्म दिया है? तुम्हारा संबंध तो एक पवित्र घराने से है, तुमने किस प्रकार ऐसा काम किया? चूंकि हजरत मरियम ईश्वर के आदेश पर कुछ बोल नहीं सकती थी, अतः उन्होंने शिशु की ओर संकेत कर दिया कि वह लोगों का उत्तर दे। जब लोगों ने देखा कि मरियम कुछ कह नहीं रही हैं, बल्कि उत्तर के लिए नवजात शिशु की ओर संकेत कर रही हैं, तो वे अधिक क्रोधित हो गए, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उस समय कुछ बोल ही नहीं सकता था कि वो अपनी माता का बचाव करता। किंतु ईश्वर की इच्छा से झूले में लेटे हुए नवजात शिशु ने बोलना आरंभ किया और सबसे पहले उसने इस प्रकार अपना परिचय कराया कि मैं ईश्वर का एक बंदा हूँ जिस पर उसकी विशेष कृपा है। ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के लिए अपना पैगंबर बनाया है और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मुझे किताब दी है। यद्यपि हजरत ईसा मसीह ने स्वयं को ईश्वर की रचना और उसका बंदा बताया है, किंतु उनके मानने वालों ने उनके संबंध में अतिशयोक्ति की है तथा वे उन्हें ईश्वर का पुत्र समझते हैं। इस प्रकार की अतिशयोक्ति किसी भी धर्म के अनुयायियों के लिए एक खतरा है। इन आयतों से हमने सीखा कि यदि हम पवित्र हों तो नवजात शिशु भी आरोपों का उत्तर देकर हमारी पवित्रता का बचाव कर सकता है। पैगंबरी का पद ईश्वर की निष्ठापूर्ण बंदगी का परिणाम है तथा ईश्वरीय कृपाएं बंदगी का फल है। आइए अब सूरह मरियम की आयत नंबर 31 और 32 की तिलावत सुने। وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا और ईश्वर ने मुझे विभूति का कारण बनाया, मैं जहाँ भी रहूँ, तथा मुझे जीवन भर नमाज व जकात की सिफारिश की। इसी प्रकार ईश्वर ने मुझे अपनी माता के साथ भलाई करने वाला बनाया तथा लोगों के प्रति अत्याचारी व निर्दयी नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो झूले में थे, न केवल ये कि लोगों द्वारा अपनी माता पर लगाए जा रहे आरोपों से उनका बचाव किया, बल्कि स्वयं को ईश्वरीय पैगंबर भी बताया, अर्थात ये कि वे नमाज और जकात जैसे ईश्वरीय आदेशों के संबंध में उसके आज्ञा पालक भी थे और परिवार तथा जनता की भलाई को अपना दायित्व तो भी समझते थे। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के व्यक्ति का पूरा अस्तित्व विभूति है और उसकी भलाई सभी लोगों तक पहुंचती है तथा उसका अस्तित्व केवल उसके समय तक सीमित नहीं होता। इन आयतों से हमने सीखा कि नमाज और जकात सभी आसमानी धर्मों की संयुक्त उपासनाओं में से हैं और इस्लाम से विशेष नहीं है। माता पिता, विशेषकर माता के साथ भलाई पैगम्बरों के शिष्टाचार में से है। आइए अब सूरह मरियम के आयत नंबर 33 और 34 की तिलावत सुने। والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
और सलाम हो मुझ पर जिस दिन मेरा जन्म हुआ और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी और जिस दिन मुझे पुनः जीवित करके उठाया जाएगा। ये है मरियम के पुत्र ईसा के बारे में सच्ची बात जिसके संबंध में लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। हजरत ईसा मसीह ने न केवल ईश्वर की इच्छा से चमत्कार की भांति होने वाले अपने जन्म और जीवन में अपने विभूतिपूर्ण अस्तित्व के बारे में बात की बल्कि अपनी मृत्यु और प्रलय में जीवित किए जाने की ओर भी संकेत किया ताकि ये बताएं कि वे भी अन्य लोगों की भांति मनुष्य ही हैं तथा लोगों की ही भांति वे भी जन्मे हैं, उनकी मृत्यु भी होगी तथा उनका जीवन भी सीमित है। जो बात ईश्वर के भले बंदों विशेषकर पैगंबरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो हर प्रकार के भटकाव व पथ भ्रष्टता से जीवन के मार्ग की रक्षा है जिसे ईश्वर ने अपने पैगंबरों के लिए सुनिश्चित बनाया है ताकि लोग निश्चिंत होकर उनके मार्ग पर चलें तथा किसी भी प्रकार के भ्रम या शंका में ग्रस्त न हों। किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग अज्ञानता के चलते या फिर जानबूझकर पैगंबरों के बारे में संदेह करते हैं। कुछ लोग पैगंबरों को मानव स्तर से आगे बढ़ाकर ईश्वर के स्तर के निकट कर देते हैं और कुछ अन्य उन्हें साधारण लोगों के स्तर से भी नीचे ले आते हैं तथा मूर्ख एवं बुद्धिहीन समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पैगंबर भी अन्य लोगों की ही भांति मनुष्य होते हैं जिनके पास ईश्वर का विशेष संदेश वही आता है और उनका दायित्व होता है कि उस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं तथा समाज में ईश्वरीय शिक्षाओं को लागू करें। इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर के प्रिय बंदों तथा पैगंबरों सहित सभी को मरना तथा प्रलय में उपस्थित होना है और कोई भी इससे अपवाद नहीं है। मरने तथा मरने के बाद प्रलय में जीवित करके उठाए जाने की शैली महत्वपूर्ण है, इसीलिए ईश्वर के सभी प्रिय बंदे अपने जीवन के अंत के संबंध में चिंतित रहते थे तथा प्रार्थना करते थे कि हर दशा में ईश्वर के आदेशों के समक्ष नतमस्तक रहने की स्थिति में इस संसार से सिधारें। पिछले आसमानी धर्मों के अनुयायियों के पदभ्रष्ट होने का वर्णन और उनके बारे में सच्ची बातों को सामने लाना कुरान मजीद की एक शैली है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। दोस्तों, शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के संबंध में विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ईरान की इस्लामी क्रांति संरक्षक फोर्स सिपाहे पासदाराने इनकलाब के वरिष्ठ कमांडर थे। उन्होंने जिस प्रकार ईरान और इस्लामी जगत की सेवा की वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की सेवाएं ईरान तक सीमित नहीं हैं। आज इराकी, लिबनानी, सीरियाई और फिलिस्तीनी समाज में उनकी प्रशंसा में जो शेर पढ़े जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके विचार और सेवाएं ईरान तक सीमित नहीं हैं। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने इन देशों के लोगों के अंदर एकता व समरसता की भावना उत्पन्न की, लोगों की सोच बदल दी। आतंकवादी गुट विशेषकर दाइश और उनके समर्थक इराक, सीरिया, लिबनान के विभाजन की चेष्टा में थे, परंतु शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने उनके समस्त शैतानी षड्यंत्रों पर
पानी फेर दिया और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने दुश्मनों को अपने षड्यंत्रों को व्यवहारिक बनाने की अनुमति नहीं दी। विश्व की वर्चस्ववादी शक्तियां अपने बिस्तरवादी लक्ष्यों की दिशा में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के अस्तित्व को सबसे बड़ी बाधा व रुकावट समझती थी। ये शक्तियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि जब तक शहीद जनरल कासिम सुलेमानी जिंदा हैं, तब तक वे अपने वर्चस्ववादी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने का शैतानी षड्यंत्र रचा और जब वे सीरिया के यात्री विमान में सवार होकर पड़ोसी देश इराक की राजधानी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और हवाई अड्डे से बाहर निकलकर कुछ दूर ही चले थे कि उनके वाहन पर अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों ने प्राण घातक ड्रोन हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। उस समय शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के साथ अबू मेहदी अल मोहंदेस और उनके कुछ साथी भी थे। अबू मेहदी अल मोहंदेस इराक के स्वयंसेवी बल हश्तुशाबी के डिप्टी कमांडर थे। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी इराकी सरकार के आधिकारिक निमंत्रण पर इराक गए थे और वो उसके मेहमान थे, परंतु अमेरिका के आतंकवादी और अतिग्रहणकारी सैनिकों ने मेजबान देश की सरकार यानी इराकी सरकार को बताए बिना जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने किस कानून के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने वाले महानायक जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया, जबकि वो स्वयं को मानवाधिकारों का रक्षक और ठेकेदार समझता है। जब अमेरिका के आतंकवादी सैनिकों ने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया था तो अपने शैतानी कृत्य के औचित्य में कहा था कि चूंकि जनरल कासिम सुलेमानी इराक में अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। अमेरिका की ओर से जो ये तर्क रहित दावा किया गया, आज तक ये साबित नहीं हुआ वो किस तरह अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा थे। पहली बात यह है कि जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा नहीं थे, और दूसरी बात यह है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जनरल कासिम सुलेमानी अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा थे तो इससे उनकी हत्या का औचित्य नहीं दर्शाया जा सकता। अगर इस बात को मान लिया जाए कि कोई किसी के लिए खतरा है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, तो इस आधार पर अफगानिस्तान और इराक जाने वाले समस्त अतिग्रहणकारी सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिए थी, जबकि कोई भी इस चीज का समर्थन नहीं करेगा। इसी प्रकार सीरिया और यमन जैसे दूसरे देशों में भी मौजूद समस्त विदेशी अतिग्रहणकारी सैनिकों की हत्या कर देनी चाहिए, जबकि कोई भी कानून इस बात की अनुमति नहीं देता। यहाँ एक अन्य बिंदु का उल्लेख आवश्यक है और वो ये है कि किस कानून के तहत अमरीकी सैनिक इराक गए हैं। अमरीका के आतंकवादी सैनिकों ने दूसरे देश में, वो भी इराकी सरकार के आधिकारिक मेहमान पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। क्या उनका ये आतंकवादी हमला इराकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है? इतना बड़ा जघन्य व आतंकवादी हमला करने के बाद अमेरिका ने आज तक माफी नहीं मांगी है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों में अपने क्रियाकलापों को देखते हुए मानवाधिकार की रक्षा के संबंध में अमेरिका कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। 11 फरवरी वर्ष 1979 को ईरान की इस्लामी क्रांति के सफल होने के बाद प्रतिरोध के विभिन्न संगठन अस्तित्व में आए और इन प्रतिरोधों का उद्देश्य कुद्स और फिलिस्तीनियों को ज़ायोनी शासन के अवैध अस्तित्व से आज़ाद कराना है, इसराइल के अतिग्रहण और उसके वर्चस्ववाद से मुक्ति दिलाने के लिए। आरंभ में जब प्रतिरोधी गुटों का गठन हुआ था तो ये बहुत कमजोर थे, मगर अब पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत हैं। इन प्रतिरोधी संगठनों के मजबूत होने के बहुत से कारण हैं, पर इन संगठनों के मजबूत होने और मजबूत करने में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसी प्रकार शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने सीरिया और इराक में आतंकवादी गुटों से मुकाबले में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। बहुत से जानकार हलकों का कहना और मानना है कि अगर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी न होते तो आज इराक और सीरिया में बहुत से क्षेत्रों या पूरे इराक और सीरिया पर आतंकवादी गुटों का कब्जा होता, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि अगर जनरल कासिम सुलेमानी और उनकी स्ट्रेटेजिक नीतियां न होती तो इस समय इराक और सीरिया में आतंकवादी गुटों की सरकारें होती।
आतंकवादी गुटों से मुकाबला करने में जनरल कासिम सुलेमानी ने जो भूमिका निभाई है उसी कारण न केवल ईरान बल्कि इराक, सीरिया और लेबनान में भी जनरल कासिम सुलेमानी को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के महानायक के रूप में याद किया जाता है। अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल प्रतिरोधक गुटों व संगठनों को खत्म कर देने की चेष्टा में थे और हैं। इसी कारण उन्होंने आतंकवादी और तकफीरी गुटों को बनाया और उनका व्यापक समर्थन कर रहे हैं। ये देश और ज़ायोनी शासन इस चेष्टा में थे और हैं कि वे इन आतंकवादी गुटों के माध्यम से लेबनान, सीरिया और इराक का विभाजन कर दें, परंतु शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने उनके समस्त षड्यंत्रों पर पानी फेर दिया। जनरल कासिम सुलेमानी आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के वो महानायक थे जिनका महान ईश्वर पर अटूट भरोसा था और वो पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों से बहुत प्रेम करते और श्रद्धा रखते थे। परित्याग, पूरी निष्ठा व तन्मयता के साथ महान ईश्वर की राह में जिहाद और अग्रिम पंक्ति में दुश्मन का मुकाबला शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने अमल से सिद्ध कर दिया कि विशुद्ध इस्लाम अमेरिकी इस्लाम से कोई समानता और संबंध नहीं रखता। अमेरिकी इस्लाम वास्तव में दाइशी इस्लाम है। इसका न केवल इस्लाम से कोई लेना देना नहीं बल्कि इस्लाम का रूप धारण करके वो विशुद्ध इस्लाम को आघात पहुंचाने की जुगत में रहता है। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी वर्चस्ववादी व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक थे। ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह-ए-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने वर्ष 1394 हिजरी शमसी में ईरान और अमेरिका के मध्य परमाणु वार्ता के बाद कहा था कि अगले 25 वर्षों में ज़ायोनी शासन नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह, ईश्वर की कृपा से अगले 25 वर्षों में क्षेत्र में ज़ायोनी शासन नाम की कोई चीज नहीं होगी। इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता के वाक्य की समीक्षा के बाद पूरी तरह स्पष्ट है कि प्रतिरोध किस सीमा तक ईरान की इस्लामिक क्रांति की आकांक्षा से निकट है। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी सदैव उस इस्लाम के अनुयायी थे जो मजलूमों को इज्जत और ताकत प्रदान करते थे और जोर जबरदस्ती करने वाले और अहंकारियों को सिंहासन से नीचे उतार देने का पक्षधर थे। जनरल कासिम सुलेमानी दुनिया के मजलूमों के समर्थक थे। वो इस बात का आभास करते और समझते थे कि मजलूमों की सहायता करना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो हजरत अली अलैहिस्सलाम की उस हदीस पर अमल करते थे जिसमें वो कहते हैं कि मजलूम के समर्थक व मददगार बन जाओ और जालिम व अत्याचारी के विरोधी। एक समय था जब आतंकवादी गुटों ने सीरिया में तांडव मचा रखा था और सीरिया में हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा के पवित्र रोजे पर भी हमला कर रहे थे। उनके रोजे की रक्षा के लिए बहुत से जवान सीरिया गए थे जिनमें एक ईरानी जवान शहीद हुजजी भी थे। आतंकवादी गुट दाइश के तत्वों ने बड़ी ही निर्ममता से शहीद हुजजी को मौत के घाट उतार दिया था। जनरल कासिम सुलेमानी ने शहीद हुजजी के सांत्वना संदेश में कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में शहीद होने वाले जवान हुजजी की कटी हुई गर्दन की शपथ, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और 3 महीने से कम की अवधि में दाइश की कमर तोड़ दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने प्रयासों से क्षेत्रीय देशों में शांति और सुरक्षा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के प्रयासों का एक नतीजा ये था कि उन्होंने क्षेत्र के समस्त प्रतिरोधों के मध्य एकता व समन्वय उत्पन्न कर दिया। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी ने अपने प्रयासों से न केवल ईरान बल्कि क्षेत्र के प्रतिरोधक गुटों के लिए सुरक्षा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान के संरक्षक बल सिपाही पासदारान और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के प्रयासों का परिणाम था कि उन्होंने जंग के खतरे को देश की सीमाओं से दूर रखा और ज़ायोनी शासन ने ईरान को आघात पहुंचाने के लिए जो
साजिश व षड्यंत्र रच रखा था सब पर पानी फेर दिया। अमेरिका, इसराइल और आतंकवादी गुटों विशेषकर दाइश की योजनाओं पर पानी फेरने में जनरल कासिम सुलेमानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका, इसराइल और आतंकवादी गुटों ने जब ये समझ लिया कि जब तक जनरल कासिम सुलेमानी रहेंगे तब तक उनके वर्चस्ववादी षड्यंत्र कामयाब नहीं हो सकते, दूसरे शब्दों में शैतानी ताकतें इस नतीजे पर पहुंची कि जनरल कासिम सुलेमानी का अस्तित्व उनकी आधिपत्यवादी नीति के मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है, इसलिए इन शक्तियों ने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करने का फैसला कर लिया। अमेरिका, इसराइल और आतंकवादी गुट ये सोच रहे थे कि जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर देने से प्रतिरोध कमजोर हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में वर्चस्ववादी शक्तियों के खिलाफ जो प्रतिरोध हो रहा था उनकी शहादत के बाद उसमें और गति आ गई। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद प्रतिरोधी गुट एक दूसरे से और अधिक निकट आ गए और उनमें अमेरिका से प्रतिशोध लेने की भावना और मजबूत हो गई। जनरल सुलेमानी की राजनीतिक सूझबूझ का ही नतीजा था जो रूस सीरिया में आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आ गया। आरंभ में केवल ईरान था जो सीरिया में आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों के षड्यंत्रों का मुकाबला कर रहा था। जनरल सुलेमानी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद रूस भी सीरिया में आतंकवाद से मुकाबले के लिए आ गया। जनरल कासिम सुलेमानी दुश्मन और उसकी योजनाओं व षड्यंत्रों को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए दुश्मन उनसे डरता था। जनरल कासिम सुलेमानी कहते थे कि पूरा ईरान हरम है और अगर इस हरम को कोई आघात पहुंचता है तो समस्त व दूसरे हरमों को आघात पहुंचेगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए, खुदा हाफिज। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। इसी के साथ अनुमति दीजिए, खुदा हाफिज। Thank you.